बहुभाषिकता के आयाम पर अपनी बातचीत करना शुरू करेंगे तक थोड़ा सा एक दो मिनट इंतजार कर लेते हैं अवधेश भैया भी आ गए हैं अवधेश भैया नमस्कार प्रणाम नीरज जी आए नीरज जी का भी स्वागत आ, मुझे उम्मीद है कि आवाज मेरी साफ पहुंच रही होगी आवाज में कहीं कोई जितेंद्र नायक अंकित मिश्रा आनंद यदुवंशी प्रज्ञा प्रज्ञा आई अंकित आ गए जितेंद्र नायक जी आ गए नीमा विक्रांत गुड मॉर्निंग विकास कुमार की आवाज पहुंच रही है गुड मॉर्निंग अमित प्रवीण भैया प्रणाम प्रवीण भैया भी आ गए मधुसूदन जी नमस्कार कैसे हैं सोमू भैया जब पर्याप्त संख्या हो जाए और ऐसा महसूस हो कि लाइव अब लेक्चर शुरू किया जाना चाहिए तो आप मुझे इंडिकेट कर दें जिससे कि हम लोग समय से अपना कार्यक्रम शुरू करके और उसको समय से समाप्त कर सकें बहुत थैंक यू ज्ञानेन्द्र ज्ञानेन्द्र धन्यवाद आवाज की फीडबैक के लिए सौम्या सौम्या गुड मॉर्निंग दिनेश जी नमस्कार दिनेश चहल जी को नमस्कार ओके सोमो भैया ने इंडिकेशन दे दिया है कि अब हम लोग uh, शुरू करें uh, आज का जो uh, विषय है uh, वो uh, बहुभाषिकता के आयाम इस विषय पर uh, मेरा यह व्याख्यान केंद्रित होगा और बेसिकली uh, uh, जब से एन ने 2014 में न्यू कैरिकुलम फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट किया और uh, सारे विश्वविद्यालयों के लिए बाध्यकारी कर दिया हालांकि विश्वविद्यालय अपने आप में एक ऑटोनमस संस्था होती है और विश्वविद्यालय को अपना करिकुलम बनाने का अधिकार होता है लेकिन फिर भी न जाने किन कारणों से विश्वविद्यालयों ने एन के सामने सरेंडर कर दिया और एन द्वारा दिया गया करिकुलम सारे विश्वविद्यालयों ने मान लिया खैर उस करिकुलम में कुछ गड़बड़ियाँ भी थीं तो कुछ अच्छाइयाँ भी थी और उन अच्छाइयों में से एक अच्छाई थी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के सिलेबस को लागू करना और लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का जो सलेबस है वो हालांकि और इंक्लूसिव हो तो ज़्यादा बेहतर है लेकिन फिर भी कुछ नहीं से कुछ शुरुआत किया जाना यह एक बड़ा कदम था और जब हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जब शुरुआत में इम्प्लीमेंट हुआ तो टीचर्स के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि मटेरियल कहाँ से लाए और स्पेशली जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी थे और जो हिंदी माध्यम से पढ़ाने वाले अध्यापक थे उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हुई कि कैसे शुरुआत किया जाए और कैसे इसको पढ़ाया जाए इन्हीं इन्हीं समस्याओं को देखते हुए बहुत फीडबैक था हम लोगों के पास कि बहुभाषिकता विषय पर अंग्रेजी में तो बहुत मटीरियल है चूँकि ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी आ, अंग्रेजी में ही मटेरियल तैयार किया है और वो सारा मटेरियल वेबसाइट पे अवेलेबल है लेकिन हिंदी में क्वालिटी मटेरियल का नितांत अभाव है इसीलिए यह सोचा गया कि इस विषय को हिंदी में हम लोग शुरू करें एक अध्याय के परिदृश्य एवं उसके शैक्षिक निहितार्थ को भारतीय संबंध संदर्भों में समझना आवश्यक हो गया है विगत कुछ वर्षों में हमने देखा है कि बहुभाषिकता को लेकर जो संदेह या रूढ़ियाँ थी, उनका निवारण तो हुआ है किंतु बहुभाषिकता को कक्षा कक्ष के संदर्भ में व्यवहारिकता के धरातल पर कैसे ले आया जाए यह चुनौती हमेशा बनी हुई है यह देखना आवश्यक है कि अध्यापक को बहुभाषिकता को किस नज़रिए से देखना चाहिए तथा उन संदर्भों की भी पड़ताल की जानी चाहिए जो कि शिक्षण शास्त्रीय नजरिए से पेडोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है भाषा विज्ञानियों ने बहुत समय से भाषा को संप्रेषण के एक साधन के रूप में ही देखा है समझा है जाना है किंतु हाल के कुछ वर्षों में हुए शोधों ने यह स्पष्ट किया है कि भाषा के संदर्भ में ऐसी समझ जो है वो बहुत संकुचित है और बहुत संकीर्ण समझ है भाषा के उपयोग का परिप्रेक्ष्य बहुत विस्तृत एवं व्यापक है और संप्रेषण के अलावा भाषा इंसान को विचार करने कल्पना करने एवं अनुभवों को ठीक तरीके से समझने में या यूं कहें कि अनुभवों को ठीक तरीके से एक्सप्रेस करने में विश्लेषित करने में करने का एक सामर्थ्य भी प्रदान करती है इन सब बातों का जो निष्कर्ष निकालते हैं हम वो ये कह सकते हैं कि भाषा जो है वो ज्ञान निर्माण का एक सशक्त माध्यम है जब भाषा की स्थिति को हम भारतीय संदर्भों में देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा देश चूंकि एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है और सांस्कृतिक विविधता सीधे तौर पे भाषाई विविधता से आकर जुड़ जाती है भारतवर्ष भाषाओं की दृष्टि से तो एक विशाल देश है ही और यहाँ कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं पढ़ी जाती हैं और लिखी भी जाती हैं इस भाषाई विविधता का संदर्भ कई बार हम लोग औपनिवेशीकरण राजनैतिक प्रभाव अलग अलग धार्मिक अल्पसंख्यकों की उपस्थिति से भी लेते हैं अंग्रेजी माध्यम से, से, मतलब तो से शिक्षा पाने वाले अभिजात वर्ग एवं वर्णाकुलर भाषा से शिक्षा प्राप्त करने वर्णाकुलर भाषा का मतलब जो हमारे आस पास पड़ोस की भाषा है हिंदी भाषा हो गई या तमिल भाषा हो गई तेलुगु हो गई कन्नड़ हो गया ये इससे वर्णाकुलर भाषा का अभिप्राय मेरा है तो हम देखते हैं कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा पाने वाले अभिजात वर्ग एवं जो वर्णाकुलर भाषा से शिक्षा पाते हैं इन दोनों के बीच एक अलग तरीके की सामाजिक विभेद की स्थिति बनी और ये नीतियाँ उपनिवेशों की जनता के लिए एक तरीके से बहुत घातक सिद्ध हुई जैसे भारत अंग्रेजों का उपनिवेश रहा या ऐसे जितने भी औपनिवेशिक देश रहे उनके लिए ये काफ़ी नुकसानदेह सिद्ध हुई और यही वजह रहा कि हम जितने देश देखते हैं वहाँ पे वहाँ की इंडिजीनियस लैंग्वेज की स्थिति बहुत ख़राब रही और हम यह भी देखते हैं कि भाषा जो है एक तरीके से उन औपनिवेशिक उन जिन पे सत्ता किया गया जिन देशों पर राज किया गया उन देशों पर भाषा की श्रेष्ठता का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहता है जैसे भारतवर्ष में हम देखें कि अंग्रेज़ी को एक तरीके से हम हम लोग बहुत संभ्रांत भाषा के रूप में लेते हैं और यह देखते हैं कि अंग्रेजी जानने वाले लोग कैसे एक तरीके से भाषाई श्रेष्ठता से ग्रस्त रहते हैं आ, इन सब मुद्दों पर एक विमर्श के रूप में एन 2005 ने इस पर काफी बल दिया और एन 2005 का ऐसा मानना था कि परिवेश में बहुत सारी भाषाओं का होना जो है वह भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है और एक महत्वपूर्ण स्थानीय परिवेश को लेकर जो है हम जहाँ तक समझते हैं कि वह केवल भौतिक ही नहीं होता है वह प्राकृतिक भी होता है और प्राकृतिक होने के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है सामाजिक और सांस्कृतिक भी होता है हर बच्चे की अपनी आवाज़ होती है जिसको आजकल हम लोग बहुत जोर दे के कहते हैं और स्किल स्कूलों के लिए यह आवश्यक भी है कि उसकी आवाज़ जो है वह कक्षा में सुनी जाए और भाषाओं की बड़ी संख्या की वजह से हम देखते हैं कि नीति निर्माता जो हैं वो उनको कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी स्थिति में उनको विभिन्न तरह के सरोकारों से उलझना पड़ता है जो निश्चित तौर पे आसान तो नहीं है हम बहुस बहुभाषिकता को कैसे भारतीय संदर्भों में और कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में किस तरीके से उपयोग में ला सकते हैं यह हमारी इस बातचीत का एक प्रमुख हिस्सा एक महत्वपूर्ण लिंग्विस्ट हुए हैं लिंग्विस्ट ना कह के यूं कहें कि सोशल लिंग्विस्ट हुए हैं न्यूमार्क उन्होंने हमें बताया कि भाषा कैसे सीखी जाती है और आ, यह जानते हुए कि भाषा कैसी सीखी जाती है उसके बावजूद भी हम उसके सीखने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते रहते हैं और जब हम हस्तक्षेप करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो भाषा सीखने का जो नेचुरल जो प्राकृतिक क्रम है वो टूट जाता है न्यूमार्क ने हमें यह बताया कि भाषा सबसे बढ़िया और सबसे बेहतर तब सीखी जाती है जब हमारा ध्यान भाषा सीखने पर केंद्रित ना हो और वास्तव में बहुभाषी समाज में अधिकांश बच्चे एक साथ कई भाषाएं सीखते हैं और उन प्रयोग करते हैं क्योंकि उनका भाषा उनका ध्यान जो है वो भाषा सीखने पर नहीं होता है बल्कि उन भाषाओं के शब्दों के पीछे जो संदेश है उस पर केंद्रित होता है भाषा सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अनौपचारिक माहौल बनाया रखना अनौपचारिक औपचारिक माहौल में भाषा सीखने की क्रियाविधि जो है वह बहुत सफल नहीं होती है और इसकी वजह से हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जब भी भाषा सीखा जाए और तो वो सबसे बेहतर जो है वो अनौपचारिक माहौल में सीखा जाता है जब फॉर्मल सेटिंग ना हो जैसे कि हम अपने आस पास पड़ोस की भाषा सीखते हैं जैसे यदि मेरी मातृभाषा भोजपुरी है तो इसे सीखने के लिए मुझे बहुत बल नहीं देना पड़ा होगा और मैं अनौपचारिक माहौल में अपने आस पास और घर के परिवेश में मैंने बेहतर तरीके से इस भाषा को आ, सीख लिया होगा आ, एक पहलू और है आ, कि जिसे हम कहते हैं कि भाषा में विविधता जो है वो जो टारगेट लैंग्वेज है जो लक्षित भाषा है उसके राह में एक रोड़ा समझा जाता है और स्कूल में पढ़ाए जाने वाले जितने भी विषय हैं वह उस विशिष्ट भाषा के ही माध्यम से पढ़ाए जाते हैं जैसे कि आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का प्रचलन है जिसमें कि सारे विषयों को अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है तो हम देखते हैं कि इस तरह से ऐसे बच्चे जो समाज में ट्रेडिशनली बहुत पीछे हैं पारंपरिक रूप से बहुत पीछे हैं ऐसे वर्ग से आते हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे वो कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में अपने आप को ठीक तरीके से एडजस्ट करें बेसिकली समस्या की जड़ जो है वो इस बात में है कि हम बहुभाषिकता को कैसे समझते हैं आ, प्रायः ऐसा समझा जाता है कि बहुभाषिकता यानी एक से अधिक भाषाएं सीखना चूंकि भाषा जो है वो एक छननी के समान छलनी के समान होता है और इसीलिए एक भाषा जो है वो दूसरी भाषा में बहुत आसानी से घुल मिल जाती है यदि किसी बच्चे के घर में भोजपुरी बोली जाती है तो विद्यालय में होने वाली पढ़ाई सामान्यतया हम देखते हैं कि अंग्रेजी में या हिंदी में होती है और यदि उसको अपनी भाषा में बोलने का अवसर नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो उस बच्चे के समायोजन में मुश्किल आती है एक उदाहरण लेते हैं यदि किसी बच्चे के घर में बांग्ला बोली जाती है या मराठी बोली जाती है या तमिल बोली जाती है या कन्नड़ बोली जाती है और स्कूल में पढ़ाई का माध्यम अंग्रेज़ी है तो ऐसी परिस्थिति में बच्चा एक से अधिक भाषाओं के संपर्क में आ जाता है और इन परिस्थितियों में बच्चे की मातृभाषा जो कि मराठी तमिल बांग्ला या कन्नड़ हो सकती है को नकारना एक तरीके से उस भा उस बच्चे के अस्तित्व को नकारने के एक समकक्ष मैं मानता हूँ और बच्चे की मातृभाषाओं को नकारना जिस तरीके से एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि यह उनके व्यक्तित्व में एक सीधा हस्तक्षेप भी है प्रभावी समझ और भाषाओं के प्रयोग के माध्यम से बच्चे जो हैं वो विचारों को या विचारों से अपने आसपास की दुनिया को अपने आसपास के संसार को ठीक तरीके से जोड़ पाते हैं और वो धीरे धीरे उन भाषाओं में निष्णात होते जाते हैं और एक कुशलता का स्तर प्राप्त कर लेते हैं बहुभाषिकता को कायम रखने और उसकी प्रकृति को बदलने में विद्यालय जो है एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है लेकिन सामान्यतया ऐसा देखने में आता है कि बच्चे जो भाषा घर एवं अपने परिवेश में इस्तेमाल करते हैं वो विद्यालयों में उपेक्षित हैं और उनका प्रयोग करना विद्यालयों में एक तरीके से अच्छा नहीं माना जाता हे यह दृष्टि से देखा जाता है जैसे किसी हिंदी माध्यम के विद्यालय में यदि आप भोजपुरी में बोलते हैं तो ये कहा जाता है कि नहीं हिंदी में बोलो हिंदी में खड़ी हिंदी में बोलना सीखना ज़रूरी है या किसी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में कोई बच्चा यदि भोजपुरी में बोलता है तब तो वो अपराध ही कर देता है दंडित भी किया जाता है फाइन भी लिया जाता है तो इस तरीके का जो उपक्रम है वो कुल मिला जुला के हम देखते हैं कि बहुभाषिकता के लिए तो बेहतर नहीं है कंक्लूड करने के लिए दो चार उदाहरण लेंगे जिससे कि हम यह कंक्लूड करें कि कैसे घर की भाषा और विद्यालय की भाषा और कैसे अपने आसपास पड़ोस की बच्चा फंस जाता है और वह कई चीज़ें समझ नहीं पाता है जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि एक कक्षा में एक शिक्षिका पढ़ा रही है और वह किसी विद्यार्थी से पूछती है कि तुम तुम्हें तुम्हारे घर में कहानियाँ कौन सुनाता है विद्यार्थी कहता है कि मेरे घर में कहानियाँ मेरी दादी मुझको सुनाती हैं और जब शिक्षिका ने पूछा कि कौन कौन सी कहानियाँ सुनाई तुम्हारी दादी ने तो उन सब कहानियों के जो शीर्षक थे वो बड़ी आसानी से वो बता देता है राहुल पाटीदार जी यह पूछ रहे हैं कि बहुभाषिकता में क्या स्थानीय भाषा को महत्व दे सकते हैं यह जो मेरा अभी उदाहरण है वह बहुभाषिकता में स्थानीय भाषा को कैसे महत्व दे सकते हैं उसी पर केंद्रित है तो हम देखते हैं कि वो बताता है और सारी कहानियों जो वो उल्लेखित करता है वो उनके शीर्षक सारे भोजपुरी में ही होते हैं जब इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए शिक्षिका यह पूछता है शिक्षिका यह पूछती है कि क्या तुमने तुमने कभी अपने दादी को कोई कहानी सुनाई क्या तो वो बच्चा कहता है कि हाँ मैंने भी सुनाई कहानी लेकिन तो शिक्षिका ने पूछा कि कैसे कहानी सुनाई तो उसने कहा मैंने अपनी किताब से पढ़कर अपनी दादी को कहानी सुनाई लेकिन मैडम एक बात बड़ी परेशानी की है वो कहता है कि लेकिन एक समस्या ये आ रही है मेरे सामने इस तरीके की कि मैं जो कहानी अपनी किताब से पढ़कर सुनाता हूँ वो आपको समझ में नहीं आती है अब शिक्षिका यह बात तेजी से समझ लेती है कि यह भाषा को समझ सकने की योग्यता से संबंधित मसला है अर्थात हो सकता है कि वह जो बच्चा हो उसकी दादी भोजपुरी में ही बोलती हो और हिंदी भाषा को समझ पाने में असमर्थ हो जबकि वही बच्चा अपने विद्यालय में उसने हिंदी सीख लिया है इसलिए वो किताब से हिंदी पढ़कर अपनी दादी को सुना पाता है और साथ ही साथ वो अपने आस पास पड़ोस की भाषा जो भोजपुरी है उसने भी सीख लिया है उसे भी सीख लिया है जिससे कि वह बड़े आसानी से अपनी दादी को आ, हिंदी में कहानी में जो कहानियाँ वो बता रही हैं उसको उसको समझ पा रहा है आ, हमारे यहाँ के विद्यालयों में सामान्यतया एक भाषा के उपयोग का बहुत ज़्यादा प्रचलन है हालांकि त्रिभाषा सूत्र लागू होने के बावजूद अंग्रेजी हिंदी संस्कृत कम से कम हिंदी बेल्ट में यह विषय तीन पढ़ाए जाते हैं लेकिन सामान्यतः जिस माध्यम का विद्यालय होता है उसी माध्यम की वकालत होती है और उसी माध्यम के चीजों को उसी माध्यम की भाषा से पढ़ाया जाता है अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि अध्यापकों से ऐसे कक्षा कक्ष में क्या उम्मीद है हम क्या अपेक्षा करते हैं तो अध्यापकों से हम सहसत यह अपेक्षा करते हैं कि वे बहुभाषी कक्षा के बच्चों के बोले जाने वाली मातृभाषा के बारे में समझ और सम्मान की भावना का विकास करें वे बच्चों द्वारा बोली जाने वाली उनकी अपनी भाषा को कक्षा में समानुभूति के साथ सीखने सिखाने के लिए स्थान दें और अपनी कक्षा की विविधता को समझते हुए बच्चे के ज्ञान एवं समझ के विकास के लिए सहज सरल एवं रचनात्मक परिवेश पैदा करें भूपेंद्र ने अभी एक महत्वपूर्ण बात कही इसी बीच में इसको लेना मैं आवश्यक समझता हूँ कि क्या बच्चे के परिवेश की भाषा को नकारना बच्चे के ज्ञान निर्माण करने पर प्रतिबंध लगाना जैसा है क्या बच्चे की भाषा को नकारना बच्चे को प्रश्न पूछने पर प्रतिबंधित प्रतिबंध लगाने जैसा नहीं है बिल्कुल भूपेंद्र आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है कि बच्चे की परिवेश की भाषा को नकारना वो बिल्कुल ठीक वैसे ही है कि अब बच्चे के ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में अवरोध पैदा कर रहे हैं चूँकि ज़्यादातर ज्ञान जो है वो बच्चे बच्चे जो हैं वो अपनी भाषा में ही सीखते हैं और अपनी भाषा में वो ज़्यादा सहज रहते हैं और एन 2005 जो कि के जो ने जो भाषा के संदर्भ में जितना अपना डिस्कोर्स या जितना अपना नैरेटिव खड़ा किया है वह इसी के आसपास खड़ा किया है उसकी समस्त बातों से तो हम लोग सहमत नहीं होते लेकिन उसकी प्रमुख बातें जो हैं स्पेशली जो, जो कंस्ट्रक्टिविज़्मी भाषा बच्चा बच्चा जो है अपने ज्ञान की रचना खुद करता है वो जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होने की वजह से ही इस दस्तावेज की पूरी दुनिया में प्रशंसा होती है और माना जाता है कि यह एक बहुत अच्छा दस्तावेज है हम कुछ अध्यापकीय अनुभवों को भी शामिल करेंगे अपने इस व्याख्यान में और देखेंगे कि कैसे कुछ अध्यापकों ने बहुभाषावाद को अपनी कक्षा में स्थान दिया और स्थान देकर उन्होंने अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनरिच किया सबसे पहले फेनमेना घटना एक घटना एक पे चर्चा करेंगे हम लोग एक उदाहरण है कि एक अध्यापिका है उसका नाम कुछ भी हम सोच सकते हैं वह है एक गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाती है उसकी कक्षा में तीस पैंतीस चालीस विद्यार्थी हैं और उनमें से बहुत सारे विद्यार्थी उसके निकटवर्ती बिहार राज्य से आए हुए हैं ये विद्यार्थी किन्हीं कारणों से अपने मूल स्थान को छोड़कर आए हुए हैं और रचना नाम यदि हम लोग मान लें एज्यूम कर लें कि उस शिक्षिका का नाम रचना है तो रचना अपनी कक्षा में हिंदी की कई बोलियाँ जैसे कि भोजपुरी जैसे कि खड़ी बोली हिंदी या मगही इन सारे इन सारी भाषाओं से उसका सामना होता है और रचना इसे अपने दैनिक पठन पाठन की क्रिया में शामिल करने का भरपूर यत्न भी करती है और बहुत हद तक वह सफल भी होती है ऐसा करने में उदाहरण के लिए वह कक्षा में इस बात पर चर्चा एक बार कर रही होती है कि गन्ना से गुड़ कैसे बनाया जाता है और उसने प्रयास किया और प्रयास के माध्यम से बच्चों ने गन्ना के ऐसे कई नाम जो उस अंचल में प्रचलित थे उनको उनका नाम ले लिया और जैसे कि उसने पूछा बच्चों से कि गन्ना को और आप क्या कहते हैं तो कई लोगों कई बच्चों ने कहा कि हमारे यहाँ गन्ना को ऊँख कहते हैं और कई बच्चों ने कहा ईख कहते हैं कई लोगों कई बच्चों ने कहा केतारी कहते हैं तो इस तरीके से ब, क्लास में ही बच्चों ने कई तरह की भाषाओं को सीखा दूसरी घटना यह है कि एक बार एक कोई शिक्षक है कुछ भी नाम ले लें एज्यूम कर लें कि उसका नाम राकेश है या विनीत है तो विनीत उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वो राजस्थान के किसी विद्यालय में पढ़ाता है और अलग भाषा भाषी क्षेत्र का होने कारण विनीत को वहाँ कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और विनीत जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कक्षा में करता है उससे विद्यार्थियों की संख्या कक्षा में बिल्कुल कम हो गई चूँकि वो समझ नहीं पाते हैं और विद्यार्थियों ने अपने भाषाई समूह के साथ कई ग्रुप भी बना लिए कक्षा कक्ष में और इसकी वजह से विद्यालय में कई बार संघर्ष की भी स्थिति आई और उसी विश्वविद्यालय में उसका एक सहकर्मी भी है जो कि उन बच्चों से उन शब्दों को सीखता है और जो नए शब्द आते हैं उनको कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में रख कर न, सारे बच्चों को उन शब्दों से परिचित कराता है और ऐसा करने से वो जो छोटे छोटे समूह भाषाई आधार पर बने थे वह सब समूह जो है अपने आप विलीन हो गए इसी तरीके से हम तीसरी घटना भी ले सकते हैं कि विवेक एक अध्यापक है वह दिल्ली के किसी प्राथमिक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन करता है और उसकी कक्षा में कई प्रांतों के विद्यार्थी पढ़ते हैं विवेक ने ऐसे कक्षा में अध्यापन करने की चुनौती को स्वीकार किया है और वह विद्यार्थियों को विज्ञान संबंधित कहानियाँ सुनाता है और कहानियाँ सुनाते वक्त उन कहानियों को कई भाषाओं में अनुवाद करने का भी फैसला करता है और ऐसा करता है ऐसा करते वक्त वह विज्ञान के संप्रत्ययों को विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स को अपने में समाहित करता है और साथ में कक्षा के क्रियाकलापों में विद्यार्थियों की सहभागिता को सुनिश्चित करने का यत्न भी करता है और इस प्रकार वह बहुभाषिकता को अपनी कक्षा में स्थान देता है इस तरीके के उदाहरण जो है इस तरीके के एग्जाम्पल्स के थ्रू हम यह बात समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक अध्यापक जो है वह बहुभाषिक परिस्थितियों को अपनी कक्षा में सृजित कर सकता है और बहुभाषित बहुभाषिक परिस्थितियों को सृजित करके वह अपना कार्य और अपने अपने कक्षा को बेहतर तरीके से बना सकता है सौम्या संस्कृति केसरी ने यह पूछा कि सर त्रिभाषा सूत्र भारत में अनिवार्य क्यों नहीं किया गया आ, सौम्या यह जवाब यह प्रश्न जो है आ, बड़ा गहरा है और यह प्रश्न इतना गहरा है कि इससे कई इसके उत्तर पे कई लोग असहज हो सकते हैं आ, बेसिकली त्रिभाषा सूत्र जो लाया गया उसके पीछे जो फॉर्मूला था वो ये था कि किसी तरीके से त्रिभाषा सूत्र लाने से जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो हिंदी बेल्ट में कम से कम एक भाषा उसको शामिल किया जाए लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और हम लोगों ने एक रास्ता निकाल लिया वो संस्कृत के रूप में मेरे इस जवाब को आप संस्कृत विरोध के रूप में ना देखें मेरे कहने का मतलब यह है कि त्रिभाषा सूत्र को हिंदी राज्यों ने ईमानदारी से लागू नहीं किया और ईमानदारी से लागू न कर पाने के कारण एक तरीके से त्रिभाषा सूत्र का जो फॉर्म्यूला था वो फेल हो गया हमारे यहाँ हाउ कैन एट टीचर कंट्रोल एंड कम्युनिकेट स्टूडेंट इन अ मल्टीलिंग्वेज क्लास रूम डज अ टीचर यूज मल्टी लैंग्वेज इन द क्लास रूम यह प्रश्न पूछा है आ, पारना दास ने पारना योर क्वेस्न इज एब्सोल्यूटली राइट दैट हाउ वी कैन इनकारट मल्टी लैंग लिंग्वल मल्टी लैंग्वेज हाउ वी कैन यूटिलाइज द लैंग्वेज ऑफ स्टूडेंट्स इन आर क्लास रूम Uh, recently, I have cited uh, four, three, four examples. Then, how how a teacher can utilize the language of students in a classroom. Uh, the basic thing is that you please allow your students to open up in your class and to speak up about different issues and what type of language is spoken in uh, their classroom. You point out some specific terms which is usually spoken in their uh, surroundings and you give proper place to those words in your lecture and in your examples so that student could connect your uh, themselves to the uh, class.

कि अब आवश्यकता इस बात की है कि समाज में बहुभाषी लोगों को सामान्य माना जाए और सहजता के साथ स्वीकार किया जाए बहुभाषी समाज न सिर्फ सामान्य है परंतु हम देखते हैं कि बहुत सारे देश पूरी दुनिया में वो बहुभाषी हैं और यदि हम लोग एक तरीके से इस चीज को देखें तो एक मैं एग्जाम्पल या एक कोट करना चाहूँगा एलिस को एलिस एक सोशल लिंग्विस्ट हैं और वो कहते हैं कि एकदम से अलग थलग रह रहे जो जनजातीय समूह हैं या जो जनजातीय समुदाय हैं उनको और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ को औद्योगिक समाज को छोड़कर जिन्होंने कई पीढ़ियाँ अनिवार्य स्कूली शिक्षा में गुजारी हैं इनको छोड़कर अन्य अन्य सभी समुदायों में एक भाष्यता जिसे मोनोलिंग्वलिज्म हम लोग कहते हैं एक भाष्यता का प्रचलन बिल्कुल कॉमन नहीं है और संज्ञानात्मक लचीलापन जिसे कि हम कॉग्नेटिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं वह बहुभाषी समाज के बीच कई तरह के पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं और आगे कहते हैं वो कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बच्चों में कई सारी भाषाओं को सीखना ठीक वैसे ही है कि इट इज़ वेरी नेचुरल टू अस बच्चे बहुत सारी भाषाओं को बहुत आसानी से सीख सकते हैं और इसको मल्टी को बहुभाषावाद को बहुभाषिता को, को हमें सिरदर्द न समझ के एक संसाधन लेना चाहिए और भारत जैसे देश में जहाँ की कई तरह की भिन्न भिन्न भिन भाषाएं पाई जाती हैं और इसलिए हमारे लिए यह एक एसेट की तरह है कि कैसे हम उसको अपनी क्लासरूम की परिस्थितियों में ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हमें इस बात के विश्लेषण की, की आवश्यकता है कि कैसे उपनिवेशकों ने भाषा को शोषण के एक औजार के रूप में एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया और भारत देश के संदर्भ में हम देखें तो कैसे अंग्रेज़ी ने यहाँ के इंडिजीनियस लैंग्वेजेस को हटाकर उनका स्थान ले लिया इसीलिए हमें अपने पठन पाठन के क्रम में अपनी टीचिंग एक्टिविटी में देखते हैं हम कि भाषा जो है एक केंद्रीय वस्तु है और केंद्रीय वस्तु रहने के कारण हमें यह इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि, कि किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल हम गणित की कक्षाओं में कर रहे हैं भाषा का इस्तेमाल हम विज्ञान की कक्षाओं में कर रहे हैं या भाषा का इस्तेमाल हम सोशल साइंस या अन्य किसी कक्षा में आ कर रहे हैं कई लोगों ने प्रश्न पूछा है आ मैं टेकअप नहीं कर पाया कि कैसे क्लासरूम में बहुभाषा को स्थान दिया जाए या बहुभाषी कक्षाओं का स्वरूप कैसा हो बींग वेरी प्रिसाइज तो इस प्रश्न को मैं अब टेकअप करना चाहूँगा बहुभाषी कक्षा का स्वरूप ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा कि समाज का होता है जैसे समाज में विभिन्न भाषा भाषी लोग अपनी अपनी भाषाओं का संरक्षण करते हैं और ऐसा करते वक्त अन्य भाषाओं को सीखते हैं ठीक उसी प्रकार कक्षा में शिक्षक को कुछ ऐसा ही प्रयास करना चाहिए इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि यह केवल भाषा की कक्षाओं तक सीमित ना हो भाषा की कक्षाओं के इतर भी भाषाओं का भाषा का अपना महत्व है ऐसा शिक्षक जो बहुभाषिकता को समाज में एक संसाधन के रूप में देखता है वही कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में अलग अलग तरह की भाषाओं में छिपी हुई सृजनात्मकता या यूं कहें कि नवीनता नूतनता को विद्यार्थियों के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है भाषा के कक्षाओं में बच्चों को घर के भाषा के इस्तेमाल की छूट जो है वो बहुभाषी कक्षा का सबसे प्रथम लक्षण है कि भाषा के कक्षाओं में या किसी भी विषय की कक्षाओं में बच्चे को घर की भाषा के इस्तेमाल की छूट मिले और इसके साथ साथ अध्यापक को यह प्रयास भी करना चाहिए कि किस प्रकार वह बच्चे की घरेलू भाषा को सम्मान देकर सृजनात्मक रूप से उसका उपयोग कर सकता है इन संदर्भों में हमें यह समझना चाहिए कि बहुभाषिकता अपने साथ विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध साहित्य को पढ़ने लिखने का अवसर भी उपलब्ध कराती है अब हम यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बहुभाषिकता एक रिसोर्स है तो इस संदर्भ में हमें यह समझना चाहिए कि बहुभाषिक बहुभाषिकता जो है वह अपने साथ विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध साहित्य को पढ़ने व लिखने का अवसर लाती है और इसे एक महत्वपूर्ण संसाधन भी माना जा सकता है क्योंकि इससे व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के संचित ज्ञान के भंडार से परिचय प्राप्त करने का अवसर मिलता है एक बहुभाषी व्यक्ति के पास निश्चित रूप से दूसरे मोनोलिंगुअल लोगों से अधिक मौके उपलब्ध रहते हैं और यदि ऐसा है तो शिक्षक जो है वह विद्यार्थी के अंदर सीखने की प्रेरणा उत्पन्न करना चाहिए शिक्षक को इसके विभिन्न लाभ भी परिलक्षित होते हैं जैसे अच्छी नौकरी प्राप्त करना विभिन्न प्रकार के भाषाओं के ज्ञान की वजह से विभिन्न प्रकार के भाषाओं के साहित्य का हम अध्ययन कर सकते हैं विभिन्न स्थानों की यात्रा कर सकते हैं और बहुभाषिकता के कारण ही हम किसी मुद्दे पर अलग अलग दृष्टिकोण से विचार कर पाते हैं एक ऐसे समाधान तक पहुंचने का प्रयास कर पाते हैं जो अन्य लोगों के प्रति भी समान रूप से संवेदनशील होता है किसी एक भाषा को सभी लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश का इसी कारण से विरोध होता है क्योंकि जो भाषा किसी के लिए आसान होती है वही अन्य लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है और यह एक बिल्कुल सामान्य बात है मगर हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए जो कि हम नहीं करते हैं कई अध्ययनों से यह पता चला है कि द्विभाषिक क्षमता संज्ञानात्मक बुद्धि जैसे हम लोग कॉग्नेटिव इंटेलिजेंस कहते हैं आ, सामाजिक सहिष्णुता विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ा देती है आ, सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर बहुभाषिकता एक ऐसा संसाधन है जिसकी तुलना किसी भी राष्ट्रीय संसाधन से की जा सकती है आ, जब हम ऐसा करते हैं तो यह एक राष्ट्रीय पूंजी के रूप में सृजित होती है आ, अभी किसी ने प्र... था कि बहुभाषी कक्षा में कौन सी एक्टिविटीज हम लोग कराएं कौन कौन सी एक्टिविटीज हमको करानी चाहिए जिससे कि हमारी बहुभाषी कक्षा जो है वो ज्यादा एक्टिविटी उसमें हो सके और ज्यादा इंटरएक्टिव हो तो आप कई तरह की गतिविधियां करा सकते हैं लेकिन मैं जो गतिविधि बताऊंगा आपको वह दो गतिविधियां बताऊंगा पहली गतिविधि है कि आप अपनी कक्षा में लैंग्वेज सर्वे आयोजित कर सकते हैं भाषा सर्वेक्षण आयोजित कर सकते हैं uh, आप कैसे कर सकते हैं आप बच्चों से बातचीत करें और बातचीत कर जिन विद्यार्थियों को आप थोड़ा बहुत जानते हैं उनसे uh, यह आप कह सकते हैं कि आपने कुछ विशेष शब्द कहाँ से सीखे? उदाहरण के लिए आप वह बता सकता है कि वो इसने यह शब्द अपने माता पिता से या दादा दादी या पड़ोसियों से सीखा है या किसी विशेष स्थान पर रहकर सीखा है या विद्यालय में अपने दोस्तों से सीखा है इस इस ऐसा इस, इस, करके आप एक चार्ट पेपर पे या बोर्ड पे ही एक टेबल बना सकते हैं और टेबल बनाकर एक तरफ विद्यार्थियों के नाम और दूसरी तरफ भाषाओं की सूची बना सकते हैं और उसके बाद आप उन विद्यार्थियों के नाम भी लिख सकते हैं और आप अपने विद्यार्थियों को यह बताने के लिए बुला सकते हैं कि वो कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं और चार्ट पर आप निशान लगाते हुए इस तरीके से इस क्रम को आगे कर सकते हैं यह एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं और इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं आप अपने विद्यालय में कर्मचारी अपने कर्मचारियों के साथ भी यह प्रयोग कर सकते हैं अपने टीचर्स कोलीग्स के साथ भी यह प्रयोग कर सकते हैं और आप अपने विद्यार्थियों की उम्र का ध्यान रखते हुए इसको और आप अपने हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज़ या अपने उसके हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं दूसरा दूसरी गतिविधि ये हो सकती है कि बच्चों को अंग्रेज़ी में शब्दों के बहुवचन बताने के आप नियम सिखाते हैं ऐसा करने की बजाय आप बच्चों के लिए ऐसी गतिविधियां आयोजित करें जिसमें विभिन्न भाषाओं के अंतर्गत शब्दों के बहुवचन बनाने की प्रक्रिया को किया पड़ताल कर सकें हिंदी अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा में बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं ये बच्चा इसकी विवेचना कर पाने में सक्षम होगा तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह आसानी से उन भाषाओं में बहुवचन बना पाने में सफल होगा तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आप आ, कर सकते हैं हम इस परिप्रेक्ष्य में जब गहनता के साथ विचार करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में भाषा एवं शिक्षा के दर्शन शास्त्रीय आधार एवं व्यवहारिक आधारों में बड़ा अंतर है और हम यदि हम विभिन्न तरह के प्रयास करके बच्चे के घर की भाषा और स्कूल की भाषा के बीच के अंतर को कम कर पाएंगे तभी सही मायने में बहुभाषिकता के आदर्श के नज़दीक पहुंच पाएंगे जिस तरह से प्रतिवर्ष भाषाओं की संख्या में लगातार कमी आ रही है जैसे कि मेरे एक सीनियर ने मुझे बताया कि किस तरह से कन्नौज के आसपास बोले जाने वाली कन्नौजी भाषा जो है वो अब नहीं बोली जाती है कन्नौज के आसपास अब खड़ी भाषा खड़ी बोली हिंदी का इस्तेमाल होने लगा है और कन्नौजी का इस्तेमाल घरों में भी होना बंद हो गया और इस तरीके से कन्नौजी एक तरीके से मृतपाय मृत मृतप्राय भाषा बनने लगी है और आ, हम यदि ऐसा करेंगे तो इस तरीके से हम पाएंगे कि ऐसी जो ऐसी भाषाएं मर रही हैं उनका मरना कम होगा और ऐसी बोलियां या ऐसी भाषाएं जीवित रह जाएंगी एक स्कॉलर हुआ है कैनगस यदि मैं नाम ठीक तरीके से मुझे याद है तो जिस तरीके से हम घर की भाषा को स्कूलों में नहीं बोलने देते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने भाषाई नरसंहार की संज्ञा दी है कि आप भाषाओं की हत्या कर रहे हैं इस तरीके से हम देखते हैं कि अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो चला है कि भाषा शिक्षण तो बहुभाषिक ही होना चाहिए और केवल कई भाषाओं के शिक्षण के ही अर्थ में नहीं बल्कि इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि बहुभाषिक कक्षा को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाए और एक अपनी एक अध्यापक को ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिससे कि बहुभाषिकता उसकी कक्षा में ठीक तरीके से लागू हो सके हम देखते हैं कि जहाँ कक्षाएं बहुभाषीय हैं वहाँ शिक्षकों की भागीदारी बढ़ जाती है इसमें सबसे पहले तो शिक्षकों को आ, का जो तानाशाही रवैया है कि मैं ही क्लास में हूँ और ये क्लास मेरा ही है मैं जैसा चाहूँगा मैं जो बोलूँगा मैं जैसा कहूँगा वैसा ही मेरी क्लास में होगा इस स्थिति से सबसे पहले शिक्षक को हटना चाहिए बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिससे कि बच्चे आ सकें सामने और अपने प्रश्न को अपनी भाषा में रख सकें इसकी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए शिक्षक का दायित्व तो केवल ज्ञान देना ही नहीं है बल्कि उसकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनना भी है और इसका पहला उद्देश्य यह होता है ऐसा करने से बच्चे के मन का संकोच दूर हो जाता है और बच्चा जो है वो सहज वातावरण में जिसमें वो अपने आप को सहज महसूस जब उसकी अपनी अपनी भाषा आसपास आस में बोली जाती है तो वह काफ़ी सहज महसूस करता है और बिना किसी मतभेद के और बिना किसी सांस्कृतिक मतभेद के वह कक्षा की गतिविधियों में हिस्सा लेता है और गतिविधियों में हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है और उसकी कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में कक्षा कक्ष में बताई जाने वाली चीज़ों में अभिरुचि में वृद्धि होती है आ, शिक्षक को एक तरीके से एक रिसोर्स पर्सन के रूप में भूमिका निभानी चाहिए आ, न कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसके पास ही ज्ञान है और वही ज्ञानी है इस तरह के भाव से शिक्षकों को बाहर निकलना पड़ेगा और बाहर निकल के बच्चों के अनुभवों को अपनी कक्षा में उपयोग करना पड़ेगा और ऐसा यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि हमारी कक्षाएं ज़्यादे बहुभाषिक और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम विभिन्न भाषाओं को अपनी कक्षा में आ, स्थान दे पाएंगे अब इन सब चीज़ों के बाद आ, मैं कुछ प्रश्न लेना चाहूँगा चंद्रशेखर ने पूछा कहा है कि आ, सर आपने कहा कि सीखने के लिए एक अनौपचारिक माहौल होना चाहिए क्या न्यू मीडिया तकनीक के माध्यम से भाषा ज्ञान को सरल बनाने में सहायता मिल सकती है आ, न्यू मीडिया तकनीक के माध्यम से भाषा ज्ञान को सरल बनाने में सहायता मिल सकती है हाँ बिल्कुल तकनीक ने बहुत सी चीज़ों को हम तक सुलभ और सरल किया है और तकनीक का इस्तेमाल यदि हम भाषा सीखने के संदर्भ में भी करते हैं तो निश्चित तौर पे यह हमारे लिए एक एसेट के रूप में आएगा सामने राहुल पाटीदार पूछ रहे हैं कि बहुभाषिता का महत्व हायर एजुकेशन के विद्यार्थियों के परिपेक्ष में भी जानकारी दें दे राहुल जी आ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हायर एजुकेशन एक तरीके से हम लोग आजकल मान के बैठ चल गए हैं कि हायर एजुकेशन में हायर एजुकेशन आप तभी ठीक तरीके से कर पाएंगे जब आप अंग्रेज़ी ठीक तरीके से जानते हो तो मल्टीलिंगिज्म आपके लिए बिल्कुल निश्चित तौर पे बेहतर है वो ऐसा इसलिए बेहतर है क्योंकि यदि आप जितनी भाषाएं जानते रहेंगे यदि आप अंग्रेजी जानते हैं यदि आप हिंदी जानते हैं यदि आप इवन फ्रेंच या पोर्तगलीज पोर्चुगीज़ या स्पैनिश, ये सारी भाषाएँ जानते हैं या आप बांग्ला जानते हैं या आप कन्नड़ जानते हैं तो आप इन 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 भाषाओं में उपलब्ध जो विपुल साहित्य है इन भाषाओं में जो उपलब्ध विभिन्न प्रकार के ज्ञान हैं उनको भी आप उनका भी आप उपयोग ठीक तरीके से कर पाएंगे अर्चना पाल जी ने पूछा है कि सर आजकल इंग्लिश मीडियम के स्कूल जिस तरह से बच्चों को इंग्लिश बोलने पर ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहे हैं उन बच्चों को घर में उन्हें इंग्लिश की जगह हिंदी का एन्वायरमेंट होता है तो क्या पेरेंट्स के लिए यह कंपल्सन होता है और क्या किया जाए इस संदर्भ में यह प्रश्न अर्चना पाल ने पूछा है देखिए अब अंग्रेजी मीडियम विद्यालयों पे तो आ, क्या बस है हम लोगों का ले और आ, मैं मेरे कहने का ये मेरे पूरे व्याख्यान का जो केंद्र बिंदु है वह यह नहीं है कि अंग्रेजी सीखी जाए या ना सीखी जाए मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि आप हर भाषा सीखें भाषा सीखने पर कोई प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है आप अंग्रेज़ी सीखें आप हिंदी सीखें और मैं तो ये कई बार कहता हूँ कि बच्चे यदि छोटे हैं तो फ्रेंच या ऐसी भाषाएं चूँकि बच्चे बच्चों में इन्नेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज सीखने की और आप जितनी कम उम्र में जितने लैंग्वेजेस का एक्सपोज़र बच्चों को देंगे उतनी भाषाएं बच्चे बड़े आसानी से सीखते हैं इस व्याख्यान का जो मेरा केंद्र बिंदु है वो ये है कि आप लैंग्वेजेस सीखिए जितनी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं उतनी लैंग्वेजेस सीखिए लेकिन कक्षा में अध्यापकों के लिए मेरा जो संदेश है वो ये है कि यदि कोई बच्चा ऐसे परिवेश से आता है जहाँ कि वह खड़ी हिंदी नहीं बोल पाता जहाँ कि वह स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं बोल पाता जहाँ कि वह अंग्रेजी नहीं बोल पाता तो ऐसे बच्चों के लिए ऐसे बच्चों की भाषाओं के लिए आपकी कक्षा में सम्मान होना चाहिए और उनके शब्दों को आप अपनी कक्षा में स्थान दें महत्व दें उनके शब्दों को रिकॉग्नाइज करें बल्कि उनका अपनी कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में उपयोग भी करें जिससे आपकी कक्षा में उपस्थित अन्य बच्चे उन भाषाओं को ठीक तरीके से आ, सीख सके आ, अब मैं अपने इस लेक्चर को कंक्लूड करना चाहता हूं जिससे कि पाँच दस मिनट में आपके प्रश्नों को भी दे सकूं। इंसानी समूह में हम लोग देखते हैं कि एक भाषिता की जगह बहुभाषिता ही सामान्य तौर पर पाई जाती हैं और समाज में बहुभाषी योग्यता संज्ञानात्मक लचीलापन के बीच जो कॉग्नेटिव फ्लेक्सिबिलिटी है इनके बीच एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है और इंसान के लिए कई भाषाएं सीखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है हम देखते हैं कि वास्तव में कई भाषा भाषाई समुदायों में रोजमर्रा की गतिविधियों में एवं कार्यकलापों में मिश्रित भाषा का उपयोग एक सामान्य चलन है अतः एक बहुभाषीय कक्षा समाज का ही एक अभिन्न अंग है और हमें अपने बच्चों के मानसिक विकास हेतु एक भाषीय सीमाओं से ऊपर उठकर बेहतर शिक्षा और सामाजिक बदलाव का प्रयास करना चाहिए और उसी के अनुरूप शिक्षण सामग्री भाषा प्रशिक्षण के तरीके और शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में भी अनिवार्य परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत जैसे बहुभाषी देश की कक्षाओं में हमारा किसी एक भाषा के सहारे काम नहीं चल सकता है और हमें कक्षा के विभिन्न भाषाभाषी विद्यार्थियों के साथ संवाद करने के लिए एक भाषा से दूसरे भाषा के बीच एक पुल का निर्माण करना होगा और ऐसा करने से हम बहुत से विद्यार्थियों के घर की भाषा हम लोग होम लैंग्वेज कहते हैं को जो कि स्कूल की भाषा से भिन्न होती है के बीच के का जो गैप है उस पुल के माध्यम से कम कर सकेंगे और ऐस इस दूरी को अध्यापक अध्यापकों को कई तरीके अपनाकर कम करना चाहिए हम ऐसा विभिन्न प्रकार के निरंतर अभ्यास निरंतर अभ्यास और विद्यार्थियों के सामाजिक संज्ञानात्मक और संचार परक विकास पर स्थायी और सकारात्मक प्रभाव तभी डाल पाएंगे या ऐसा तभी होना तभी संभव हो पाएगा जब सही मायने में हम मल्टीलिंगुअलिज्म को एक सामान्य स्थिति एक सहज स्थिति के रूप में स्वीकार करें व देखें अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रश्न लूं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रश्न आए हैं मैं सोमू भैया से निवेदन करूंगा कि वह इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मुझे स्वतंत्र करें और मैं पर्याप्त समय भी लेना चाहूंगा कि इसको कैसे मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दूं संजय जी ने कहा कि भाषा तो लर्निंग का टूल है हाँ बिल्कुल टूल है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आ, आ, विज्ञान के भाषा विज्ञान के अध्यापक को गणित के अध्यापक को और ऐसे अध्यापक जो कि भाषा के अध्यापक नहीं हैं उनके पास भी भाषा का भंडार होना आवश्यक है जिससे कि वह अपने विद्यार्थियों से ठीक तरीके से कम्युनिकेट कर सके विज्ञान को पढ़ाए जाने के लिए भी एक भाषा की ही आवश्यकता है और वह भाषा अंग्रेजी भी हो सकती है हिंदी भी हो सकती है आसपास पड़ोस पड़ोसी तो जी आपने बिल्कुल सही कहा भाषा एक लर्निंग टूल है इसीलिए भाषा का महत्व है प्रवीण तिवारी भैया ने पूछा है कि भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा संस्कृत के विषय में क्या मत है तिवारी भैया संस्कृत के साथ तो जो स्थिति बनाई जा रही है और जो दुर्गति उसके बारे में हम क्या बात करें लेकिन फिर भी चूंकि आपने प्रश्न पूछा है तो इस पर बोलना मैं आवश्यक समझता हूँ भारतीय भाषाओं को निश्चित तौर पे संस्कृत एक सूत्र में बांधती है चूंकि हम जब देखते हैं कि हिंदी का आविर्भाव जो है कैसे संस्कृत भाषा का जो स्वभाव होता है वो हमेशा कठिनता से सरलता की तरफ भाषा बहती है जैसे कि संस्कृत से पाली पाली से अपभ्रंश अपभ्रंश से खड़ी हिंदी या हिंदी के जो सत्रह 18 बोलियां जो निकल के आई हैं तो निश्चित तौर पर इन सब भाषाओं के लिए आ, संस्कृत एक आ, 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 मूल भाषा है लेकिन संस्कृत के साथ समस्या क्या है कि अब संस्कृत जो है वो रोजमर्रा के इस्तेमाल की भाषा नहीं रह गई है वह एक अब भारतवर्ष में कम से कम हम ऐसा देख रहे हैं एक क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है और क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में जब भाषाएं प्रतिष्ठित होती हैं तो उनको प्रिजर्व करना बहुत आवश्यक हो जाता है जैसे कि विदेशों में हमने देखा है कि ग्रीक और लैटिन को पढ़ने वाले लोगों को स्कॉलरशिप और तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं वैसा मेरा अभिमत है कि भारत सरकार को भी इस तरह की कोई पहल करनी चाहिए जिसमें कि संस्कृत पढ़ने वाले लोगों की को पढ़ने वाले लोगों की संस्कृत जानने वाले लोगों को स्कॉलरशिप दिया जाए और संस्कृत भाषा को एक केवल क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में ही ना देखकर उसमें लिखने पढ़ने बोलने समझने पत्र लिखने पत्रिकाएं छपवाने ब्लॉग लिखने यूट्यूब चैनल निकालने बातचीत करना इन सब भी इन सब यह सब कार्य भी हम लोग संस्कृत में करें और ऐसा तभी संभव है जब कि भारतीय समाज खुद स्वयं अपनी भाषा के लिए आगे आए जब भारतीय समाज आगे आएगा कई चीज़ों के लिए हम केवल सरकारों की तरफ देखते हैं हम सरकारों की तरफ न देखकर स्वयं से संस्कृत के विकास के लिए आगे आए और इसके लिए हम लोग ब्लॉग लिखें पत्र पत्रिकाएं निकालें और इस तरह के कार्य करें जिससे कि संस्कृत पुनः अपनी गौरवशाली अतीत को पुनः वापस ला सके और वर्तमान में भी वह ठीक तरीके से स्थापित हो सके आ, आ, अर्चना पाल जी ने कहा है कि इवन हायर एजुकेशन में भी सर्वाइवल की बात करें तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लैंग्वेज एडेप्टेशन कंपलसरी नहीं होता है इसलिए क्या मल्टी लैंग्वेज एडाप्टेशन की स्टार्टिंग से ही नहीं इनकॉर्पोरेट करना चाहिए आ, अर्चना जी आ, मैं आपकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ निश्चित तौर पे हायर एजुकेशन में भी हमें मल्टी लैंग्वेज एडाप्टेशन को लागू करना चाहिए और मल्टी लैंग्वेज को विभिन्न भाषाओं को स्थान देना चाहिए रजनी रंजन सिंह भैया ने कहा है कि लिग्वलिज्म इज आल्सो एसेंशियल फॉर मेकिंग आवर सोसाइटी इंक्लूसिव एंड फुलफिलिंग द एस्पिरेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही उन्नीस इकहत्तर का सर्वे जो है वो यह कहता है कि भारतवर्ष में साढ़े सोलह सौ सो से भी ज्यादा भाषाएं हैं और यदि ऐसा सच है और यदि ऐसा है तो निश्चित तौर पे यदि हम भारतीय भाषाओं को दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने की आज़ादी दें तो निश्चित तौर पे यह एक इंक्लूसिव एक समावेशी समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का एस्पिरेशन है कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो कि जिसमें कि कोई बड़ा छोटा ना हो और जिसमें कि हर व्यक्ति की समाज के अंतिम व्यक्ति की भी चिंता की गई हो को निश्चित तौर पे हम सफल बना पाने में सफल होंगे अभिषेक चौधरी बहुभाषी अभिषेक चौधरी कहते हैं बहुभाषी होकर हम अधिक ज्ञान को संग्रहित कर सकते हैं एब्सोल्युटली राइट अभिषेक जी जितनी ज़्यादा भाषाएं हम जानेंगे उतने ज़्यादा पढ़ पाएंगे उतने ज़्यादा विपुल साहित्य को हम लोग जान पाएंगे और इस वजह से हम ज़्यादा चीज़ों के प्रति ज़्यादा नॉलेज डोमेन के प्रति हमारा एक्सपोजर होगा और हम चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव में एक बड़े पर्सपेक्टिव में ना हम देख सकेंगे और संध्या शाही जी ने कहा है हमें कक्षा में बहुभाषिकता को प्रोत्साहित और संरक्षित करना चाहिए बिल्कुल संध्या जी आप सही कह रही हैं हमें बहुभाषिकता को कक्षा में स्थान देना चाहिए और इससे हम अपने विद्यार्थियों को विभिन्न तरह की भाषाओं का एक्सपोजर दे पाने में सफल होंगे स्वाति वार्षण Uh, ne you are very much right that multilingualism can be used as a resource in the classroom as when students are allowed to share their experience in their own languages but, but here teacher is also accountable to understand and make the used language clear to rest of the students. Absolutely right. I agree Swati. Uh, whatever you are saying that uh, multilingualism is uh, should be understood as a resource and it should be utilized properly in the classroom and uh, we should keep in our mind that the languages which are spoken by the student should be uh, given proper space in the classroom scenario and the words of those languages should be properly explained to the students who does not understand that language आ, मोहित राज मोहित भैया ने पूछा है कि महोदय क्या बहुभाषिक कक्षा की सफलता के लिए शिक्षक को भी अपनी कक्षा में प्रयुक्त अनेक भाषा का ज्ञान होना चाहिए आ, बिल्कुल शिक्षक को ही यदि ज्ञान नहीं होगा तो वो किस प्रकार से विभिन्न तरह के भाषाओं के शब्दों की व्याख्या कर पाएगा शिक्षक को भाषा को लेकर बहुत लिबरल होने की आवश्यकता है और आ, उसे ठीक तरीके से विभिन्न भाषाओं के शब्दों को विभिन्न भाषाओं को समझना चाहिए जिससे कि वो ठीक तरीके से अपनी कक्षा में विभिन्न भाषा के शब्दों को स्थान दे सकें अभिषेक चौधरी ने कहा कि विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं बहुत अच्छा सुझाव है ये ऐसा करने के लिए हम लोग भारत सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान भी चलाया है जिसमें कि जो मेरा स्टेट जहां मैं अभी हूं राजस्थान जो है वो इंटरेक्ट करता है असम से और आ, 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 हम लोग यहाँ असमी भाषाओं के कार्यक्रमों में प्रतिभाग लेते हैं और असम के बच्चे जो हैं वो राजस्थानी भाषाओं के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हैं तो इस प्रकार से देखते हैं कि विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मल्टीलिंग्वलिज़्म को बेहतर करने में अच्छा सिद्ध होते हैं अभिषेक सिंह ने पूछा क्या कक्षा में बहुभाषिकता के माध्यम से जेंडर संवेदनशीलता का प्रयास भी किया जा सकता है बहुभाषिकता के माध्यम से हम क्लास में बहुत कुछ कर सकते हैं और जेंडर सेंसिटाइजेशन भी एक महत्वपूर्ण पहलू है ऐसा जो आर्डेंट फेमिनिस्ट हैं वह आरोप लगाते हैं कि भाषा जो है इंटायरली मेल है मेल डोमिनेंस है भाषा में मेल डोमिनेंस ज़्यादा है तो ऐसे में हमें आजकल हम लोग जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की वकालत करते हैं जैसे कक्षा में भी जैसे कि हम लोग छात्र छात्राएं कहने की बजाय अब विद्यार्थी शब्द का उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे भाषा जो है वह जेंडर सेंसिटाइजेशन का भी एक औजार है और बहुभाषिकता के माध्यम से भी हम जेंडर सेंट सेंसिटाइजेशन का काम ठीक तरीके से अपनी कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में कर सकते हैं स्कूल कैंप लगा सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं आ... स्वाति वार्षण स्वाति वार्षण ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि प्रोफेसर रमाकांत अग्निहोत्री सही आपने कहा कि प्रोफेसर रमाकांत किहोत्री ने खूब काम किया है मल्टीलिंगिज्म uh, को लेकर इंडियन सेटिंग पे और मेरे पास अभी मेरे हाथ में दो किताबें हैं uh, भाषा एवं भाषा शिक्षण खंड एक और भाषा एवं भाषा शिक्षण खंड दो इन दोनों के संपादक जो हैं वो रमाकांत अग्निहोत्री ही हैं आप यदि देख पा रहे हों तो ये दोनों किताबें वाणी प्रकाशन ने पब्लिश की है और इन दोनों किताबों के जो संपादक हैं वो रमाकांत अग्निहोत्री ही हैं रमाकांत अग्निहोत्री जी ने बहुत काम किया है लेकिन उनका ज़्यादातर काम अंग्रेजी भाषा में है अंग्रेजी में मतलब उन्होंने लिखा हुआ है हालांकि उसका ट्रांसलेशन भी हुआ है लेकिन फिर भी रमाकांत अग्निहोत्री एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है मल्टीलैंग्वेजिज्म के फील्ड में भाषा वर्चस्व का विषय बनता जा रहा है जबकि यह सब सहभागिता का विषय होना चाहिए अभिषेक सिंह जी मैं आपको इसमें आप एक ड्रामा है शेक्सपियर का टेम्पेस्ट तो टेम्पेस्ट में जो किरदार है एक कैलिबन वो कहता है कि आई विल लर्न योर लैंग्वेज मैं तुम्हारी भाषा सीखूंगा केवल इसलिए नहीं सीखूंगा तुम्हारी भाषा क्योंकि तुम मुझ पर सत्ता कर रहे हो तुम मुझ पर सत्ता कर रहे हो और जो सत्ता तुम कर रहे हो वह भाषा के कारण ही कर रहे हो भाषा के दम पे कर रहे हो भाषा एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है तुम्हारे शासन करने का मैं तुम्हारी भाषा सीखूंगा और इसलिए नहीं सीखूंगा कि तुम्हारी भाषा बहुत श्रेष्ठ है इसलिए सीखूंगा कि मैं तुमको तुम्हारी ही भाषा में जवाब दे सकूं तो ये डी कोलोनाइजेशन और कैसे कोलोनियल पर्सपेक्टिव को हम लोग देखते हैं निश्चित तौर पे कोलोनियल लैंग्वेजेस जो हैं वो है एक वर्चस्व का ही विषय बनते जा रहे हैं बनते गए हैं और भाषा ने एक तरीके से हम देखें तो एक सुप्रीमेसी कायम की है जैसे कि अंग्रेजी एक तरीके से कोलोनियल लैंग्वेज है तो अंग्रेजी जिस तरीके से भारतीय समाज पर अंग्रेजी का जिस तरीके से ठप्पा है और जिस तरीके से अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण अंग्रेजी जानना एक महत्वपूर्ण योग्यता है उस तो ये एक समस्या भाषा के साथ रही है और बहुत सारे डिबेट हैं इसमें मैं मेरे पास उतना समय नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको स्ट्रक्चरलिस्ट से लेकर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और कोलोनियलिस्ट और पोस्ट कोलोनियल जो व्यू है तो उसमें कहा गया है कि लैंग्वेज इज नॉट इनोसेंट और कैसे लैंग्वेज को हम लोग यूज़ करते हैं लैंग्वेज एक तरीके से ह्यूमन ब्रेन के पास एक पपेट की तरह इस्तेमाल होता है और लैंग्वेज को किस तरीके से हम इस्तेमाल करके अपना डोमिनेंस स्थापित करते हैं और आपने यह बिल्कुल बात सही कही कि यह सभ्य सहभागिता का विषय होना चाहिए यह सभ्यता सहभागिता का विषय तभी हो पाएगा जब हम हर भाषा को सम्मान समान रूप से दें और किसी भी भाषा के सुप्रेमेसी को खारिज करें तभी जाके हम भाषा को सहभागिता का औजार बना पाएंगे सोनू अपने पड़ोसी रानी के साथ खेलने जाता है रानी दूसरी भाषा में बात करती है तो इससे सोनू के भाषा का विकास होगा या सोनू को संप्रेषण में कठिनाई होगी सोनू अपने पड़ोसी रानी के साथ खेलने जाता है और रानी दूसरी भाषा में बात करती है इससे सोनू के भाषा का विकास होगा केवल सोनू के भाषा का ही विकास नहीं होगा इससे सोनू और रानी दोनों के भाषा का विकास होगा सोनू जो है यदि दूसरी भाषाएं सीखता है तो यह उसके संप्रेषण को और रुचिकर और संप्रेषण को और इन डेप्थ और बढ़िया बनाएगा इसलिए उसको संप्रेषण में कोई कठिनाई नहीं होगी उसको संप्रेषण में उसके सम्प्रोष सं... उसके सोनू के भाषा का विकास ही होगा चंचला झा रिसर्च में भी हम इनका यूज़ ले सकते हैं जबकि ज़्यादातर इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दिया जाता है ये तो कॉलोनियल लैंग्वेज है और अंग्रेजी को महत्व तो मिलता मिलता आ रहा है इसीलिए हमें बहुभाषिकता को ठीक तरीके से लागू करना है जिससे कि किसी भी भाषा के सुप्रेमेसी को खारिज कर सके और सभी भाषाओं को हम अपने कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में समान स्थान दे सके मोहित भैया नमस्कार आपने सुंदर व्याख्यान कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपको राहुल पाटीदार ने कहा कि नई भाषा को सीखने का मतलब अपने कौशलों में वृद्धि करना है बिल्कुल सही नई भाषा को सीखना अपने कौशलों में वृद्धि करना है प्रवीण कुमार तिवारी भैया ने कहा सुंदर व्याख्यान भैया प्रणाम आप आशीर्वाद बनाए रखिए सब आपके ही आशीर्वाद का फल है आपने बहुत मेरी मदद की है भाषा में भाषा का जहाँ तक सवाल है आप विशेषकर भारतीय भाषाओं को लेकर जो आपका दृष्टिकोण है Uh, उसकी मैं अनकिनत जगह पर हमेशा सराहना करता हूँ ट्रूली सेट सर अर्चना पाल जी ने कहा विदाउट इनकॉरपोरेटिंग मल्टीपल लैंग्वेज इन क्लास रूम समेर वी के नॉट सर्वाइव इन इंडिया यू आर हैल्यूटली राइट अर्चना वी शुड इनकॉरपोरेट मल्टीपल लैंग्वेज इन अ क्लास रूम बिकॉज इफ यू विल यूज मल्टीपल लैंग्वेज इन अवर क्लासरूम दैट विल That will certainly enhance the capability of your students, and they will be able to learn different languages and different dialects, and that will help in their future growth. Russell D'Souza, my friend, thank you. You are a wonderful being. You have been always helpful to me whenever I feel any deficiency in the use of technology. Thank you, Russell. Uh, Anvesha Ghosh, thank you. Thank you to you. आशुमती खेलेजा बच्चों को मराठी मीडियम में शिक्षा देना उचित है या फिर इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा असरदार है कृपया विश्लेषण करें आशुमति खलेजा इसमें यदि आप मेरा व्यक्तिगत मत जानना चाहती हैं तो मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ मैं क्या तमाम शोध भी इस बात के पक्षधर है कि बच्चे को शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए महात्मा गांधी इसके सबसे बड़े पैरोकार थे एन 2005 जो कि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है भारतीय संदर्भों में वह भी इस बात की वकालत करता है किस किस तरीके से घर की भाषा को आसपास पड़ोस की भाषा को स्थान देकर हम पढ़ाई लिखाई को बहुत ज्यादा एनरिच और बहुत ज्यादा मजबूत कर सकते हैं प्रवीण कुमार तिवारी भैया ने कहा भाषा केवल टूल नहीं है अपने आप में संस्कृति है भाषा के मरने से संस्कृति मर जाती है बिल्कुल सही कहा तिवारी भैया आपने भाषा एक केवल टूल नहीं है भाषा भाषा जो है अपने साथ अपने समाज को अपने संस्कृति को लेकर आती है और यदि एक भाषा मरती है तो निश्चित तौर पर यह उस भाषा से संबंधित उस संस्कृति का भी होता है। सुभाष मिश्रा सर सर थैंक यू धनंजय विश्वकर्मा बहुत सुंदर व्याख्यान कहा सोमू भैया थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी यू आर सेइंग इट वाज अ वंडरफुल वंडरफुल स्पीच प्रभावशाली व्याख्यान बहुत बहुत धन्यवाद सोमू भैया आपको कि आपने यह मंच उपलब्ध कराया मुझे जिसपे कि मैं अपनी बात रख रह पा रहा हूं हालांकि बहुभाषिकता के बहुत सारे परिप्रेक्ष स्पेशली डोलोनाइजिंग इंडियन माइंड इस पर मेरा बोलना रह गया है और मैंने जान बूझ के इस परिप्रेक्ष को छोड़ दिया कि आप लोग यदि उचित समझेंगे और यह मांग रखेंगे कि कैसे लैंग्वेज के दृष्टिकोण से वी शुड डी कोलोनाइज आवर माइंड कैसे हम लोग इंडियन माइंड को लैंग्वेज के परस्पेक्टिव में डी कोलोनाइज कर सकते हैं यदि इस पर आप लोग अपनी मांग रखेंगे एडमिन से जो कि समूह भैया हैं तो शायद वो मुझे दोबारा अवसर दें और फिर मैं डी कोलोनाइजिंग इंडियन माइंड द इंडिजीनियस पर्सपेक्टिव ऑफ लैंग्वेज पे अपनी बातचीत अवश्य रखना चाहूँगा राहुल पाटीदार ने कहा जब हम प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के रूप में जाते हैं तो बताया जाता है कि भाषा कौशल में एल एस आर डब्ल्यू के क्रम को प्रयोग में लिया जाए लेकिन वास्तविकता में इस प्रयोग करने में कठिनाइयाँ होती हैं जिसे हम अनुभव करते हैं कृपया इस पर प्रकाश डालें और राहुल जी इस पर प्रकाश मैं डालना चाहूँगा लेकिन समय की बहुत कमी है आ, ये एक अलग विषय है आ, क्योंकि यह बहुभाषिकता बहु, 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 से संबंधित सीधे तौर पे नहीं है इसलिए इस विषय इस प्रश्न को मैं ले नहीं पा रहा हूँ लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है शायद अगले किसी व्याख्यान में मुझे अवसर मिलेगा तो इस पर मैं बातचीत करूँ करूँगा प्रवीण तिवारी भैया कहते हैं कि दक्षिणी अमेरिकी देश उत्तरी अमेरिकी देश और कुछ अफ्रीकी देश मध्य पूर्व के देश आदि इसके उदाहरण है कि कैसे भाषा के मरने से संस्कृति विनष्ट हो जाती है एकदम सही कहा भैया आपने बहुभाषिकता को केवल वाचन में स्थान दिया जाए या लेखन में भी क्योंकि यदि लेखन में बहुभाषिकता को स्थान दिया जाने लगे तो कई नीतिगत परिवर्तनों की आवश्यकता होगी मोहित भैया बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि बहुभाषिकता को केवल वाचन में स्थान दिया जाए या लेखन में भी देखिए वाचन में स्थान देना बहुभाषिकता को लेखन में स्थान देने से ज्यादा सरल सहज और सुगम है इसलिए शुरुआत निश्चित तौर पे पहले बहुभाषिकता को वाचन में स्थान देने से करनी चाहिए लेकिन वाचन से लेखन की तरफ भी बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और यह कार्य यह जिम्मेदारी अन्य विषयों के, के अध्यापकों पर नहीं होगी यह जिम्मेदारी भाषा के अध्यापकों पर ज्यादा होगी और यदि ऐसा किया जाता है तो निश्चित तौर पर अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता होगी लेकिन हम लोग तो यहाँ एन ने जो सिलेबस प्रिस्क्राइब कर दिया उसी को मानने में फंसे हुए हैं और यूनिवर्सिटीज ने अपनी ऑटोनॉमी एन के हाथों में गिरवी रख दी तो क्या कर सकते हैं जब यूनिवर्सिटीज के पास करिकुलम डिसाइड करने का भी अधिकार नहीं होगा तो फिर नीतिगत परिवर्तनों की आवश्यकता जब हम महसूस करेंगे तो उसको बहुत आसानी से और बहुत शीघ्रता से नहीं कर पाएंगे अब एन फरमान जारी करे तब विश्वविद्यालय उनको सुने उसके बाद यह काम हो विश्वविद्यालयों के पास यह तत्काल ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ की भाषा को लेकर सजगता है वो विश्वविद्यालय अपने करिकुलम में तुरंत इसको स्थान दे सकते थे और तब हम बहुत कुछ प्रारंभिक तौर पे परिवर्तन देख सकते थे सुभाष मिश्रा ने कहा कि भाषा संस्कृति संवाहक है समाज की भाषा समाज की चित्त भूमि की खेती है आह क्या बात कही भैया आपने बहुत बढ़िया भाषा संस्कृति की संवाहक निश्चित तौर पे होती है और समाज की भाषा जो है समाज की चित्त भूमि की खेती है बहुत आ, बहुत आ, 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 अच्छी बात कही सीमा मैम प्रणाम मैडम आपने कहा कि नॉन वर्बल लैंग्वेज की क्या भूमिका है नॉन वर्बल लैंग्वेज की भूमिका यह है मैम कि uh, जब हम क्लासरूम में कम्युनिकेट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को क्लासरूम में स्थान देते हैं एंड ऐसे संदर्भों में कई बार बच्चे जो कि उस स्टैंडर्ड लैंग्वेज से बहुत एक्वेंटेड नहीं होते हैं या आप किसी दूसरे परिवेश की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उस भाषा को नहीं जानते हैं ऐसे में जब हम नॉन वर्बल लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं तो बच्चे उन भाषाओं को न जानते हुए भी उसका अभिप्राय समझ लेते हैं तो नॉन वर्बल लैंग्वेज की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है मल्टीलिंगुअल क्लास में और मैडम सीमा मैडम ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है नॉन वर्बल लैंग्वेज में हम अपने कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो नॉन वर्बल लैंग्वेज का भी एक अपना इंपॉर्टेंस है अनिश कुमार राय ने कहा संस्कृति और संस्कार की जड़ हमारे देश में संस्कृत भाषा से जुड़ा हुआ है जब तक संस्कृत भाषा बची रहेगी तब तक हमारे संस्कृति और संस्कार भी बचे रहेंगे आ, अनिश वैचारिक रूप से तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ आ, लेकिन एक भाषा को लेकर जो मेरी अवधारणा है उसमें मैं केवल संस्कृत ही नहीं मैं हर भाषा को बचाने की वकालत करता हूँ मेरा मानना है कि भोजपुरी भी बचनी चाहिए मैगही भी बचनी मगही भी बचनी चाहिए मैथिली भी बचनी चाहिए कन्नड़ भी बचनी चाहिए बांग्ला भी बचनी चाहिए हर भाषा मराठी भी बचनी चाहिए क्योंकि वह भाषा जब बची रहती है तो वह भाषा अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को भी बचाए रखती है तो केवल संस्कृत को ही बचाने की नहीं लड़ाई लड़नी है हमें हमें संस्कृत के साथ उन सारी सारे भाषाओं को भी बचाए रखने की लड़ाई लड़नी है जो कि मरने के कगार पे हैं मेरे एक कन्नौज के रहने वाले सीनियर ने मुझे बताया कि कन्नौजी भाषा किस तरीके से अब घरों में इस्तेमाल नहीं हो रही है तो हमें भाषा को बचाने की कोशिश करनी चाहिए अंजलि सिंह ने कहा इट वॉज अ वंडरफुल सेशन सर थैंक यू सो मच थैंक यू अंजलि फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स मोहित भैया ने कहा कि भाषा के जीवन मरण का संबंध कक्षा से ज्यादा व्यापार बाजार रोजगार और वैश्वीकरण से भी तो है हाँ बिल्कुल है बिजनेस मार्केट ग्लोबल भाषा एक तरीके से भाषा हमारे हमारे जिंदगी समाज के हर एक पहलू को प्रभावित करती है Pushpendra Iyadu, kaha, we all know that language of emotions as well as math science and language has its pictorial expression too in tactics of uh, he also expressed this fact what should be the integration what should be the integration plan regarding these understanding of language to enhance the learning in our curriculum and efforts of government schools should be Pushpendra, uh, your question is quite pertinent language. Of mathematics and science, uh, the, 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 the teaching of mathematics and science is all also done in language, and uh, there is also importance of pictorial expressions. Uh, your question, uh, as, um, uh, what what impression your question gives to me, is that ki what uh, what should we do? Uh, we we actually should train our all teachers in the use of language. Uh, uh, what we do that we think that the the teacher of science does not require uh, thorough knowledge of language but uh, this concept has changed the teacher of science even the teacher of mathematics even the teacher of uh, social sciences they all need uh, languages they all need language learning so um, each and every teacher should be trained in language so that he can tackle द इश्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड द लैंग्वेज बोथ भूपेंद्र ने कहा सर व्याख्यान बहुत ही व्यापकता लिए हुए है प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र uh, शशि कुशवाहा ने कहा कक्षा में बहुभाषिकता का प्रयोग केवल बोलने के लिए किया जाए या लिखने के लिए किया जाए शशि इसका उत्तर मैं दे चुका हूँ मोहित जी ने यह प्रश्न पूछा था कि भाषा का उपयोग शुरुआत बोलने से किया जाए और बोलने से करके हम लिखने तक की यात्रा तय करें हाँ लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण बहुत कुछ निर्धारित होता है बिल्कुल सही कहा तिवारी भैया शायद वो संस्कृत के संदर्भ में अपनी बात रख रहे हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति से बहुत कुछ निर्धारित होता है चंचला झा ने कहा टेक्स्ट बुक में भी टेक्निकल टर्म को मल्टी लैंग्वेज का यूज़ किया जाए बिल्कुल चंचला आपने बिल्कुल सही बात कही कि टेक्स्ट बुक में भी टेक्निकल टर्म को मल्टी लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाए और ऐसा करने से हम विभिन्न भाषाओं को स्थान दे सकते हैं दिलीप सिंह ने कहा कि यदि किसी क्लास में डिफरेंट लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स आते हैं तो वहां पे क्लास टीचिंग कैसे हो दिलीप ऐसे मैंने कई उदाहरण दिए दो तीन उदाहरण मैंने कम से कम दिए हैं जैसे मैंने एक में बताया कि कैसे एक रचना नाम की शिक्षिका अपनी कक्षा में विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए गन्ना गन्ने से गुड़ कैसे बनाया जाता है इसकी जब बात करती है तो वो बच्चों से पूछती है कि गन्ने को आपके क्षेत्र विशेष में क्या कहा जाता है तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अंजलि सिंह ने पूछा कोलोनियल लैंग्वेज क्या है कोलोनियल लैंग्वेज क्या है कोलोनियल लैंग्वेज से हमारा तात्पर्य उन लैंग्वेज से है जो 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 कि जो जिन जिन औपनिवेशिक राज्यों ने हमारे ऊपर शासन किया तो जो सत्ता वर्ग रहा है उसकी जो लैंग्वेज रही है उससे हमारा तात्पर्य है कोलोनियल लैंग्वेजेस से भारत जय औपनिवेशिक भाषा मोहित ने मोहित भैया ने उत्तर भी दिया अंजलि सिंह को कि औपनिवेशिक भाषा जैसे भारत अंग्रेजी का उपनिवेश रहा तो हमारे लिए औपनिवेशिक भाषा अंग्रेजी बनी जो कि मैं पहले ही उत्तर दे दिया है जेस्चर की कम्युनिकेशन में क्या भूमिका है जेस्चर की कम्युनिकेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है बहुत सारी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से कम्युनिकेट होती हैं तो इसलिए जेस्चर को जेस्चर कैसे हमको ठीक रखना चाहिए अपने कम्युनिकेशन में इस पे भी एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अगर किया जाना जितेंद्र नायक लैंग्वेज द बेसिक टूल ऑफ ऑवर थॉट आशुमती खलेजा वेरी वेरी थैंक यू थैंक यू टू यू ऑल्सो सुजीश श्रीवास्तव नाइस सुनील कुमार थैंक्स लॉट सर थैंक यू आशुमती खलेजा वेरी नाइस स्पीच अमित मिश्रा अत्यंत सुंदर व्याख्यान भैया उसका सगम सुगम और सरल विश्लेषण बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद अमित शशि कुशवाहा एक कक्षा में विभिन्न बोलियों के विद्यार्थियों को होना क्या बहुभाषिकता को दर्शाता है केवल विद्यार्थियों का होना बहुभाषिकता को नहीं दर्शा सकता शशि बहुभाषिकता तब है जब उन विद्यार्थियों की भाषाओं का कक्षा में स्थान हो और उसका इस्तेमाल हो <laughs> <laughs> तो बहुभाषिकता में उन बच्चों की भाषाओं का कक्षा कक्षा में इस्तेमाल होना जरूरी है विकास कुमार विकी बहुत अच्छा लगा सर सिंपल भी बहुत बहुत धन्यवाद अब सोमू भैया ने निर्देश जारी किया है कि अब समापन कीजिए तो बहुत सारे प्रश्न रह गए हैं और मैं इसका उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि यह व्याख्यान आप लोगों को पसंद आया होगा और यदि सोमू भैया की अनुमति होगी तो अगले व्याख्यान में हम इस बात पर बातचीत करना चाहेंगे जो कि बहुत सारे प्रश्न भी उभर के आए हैं कि कैसे इंडियन माइंड को लैंग्वेज के परस्पेक्टिव में डी किया जाए तो सोम भैया आपने यह बड़ा अवसर मुझे उपलब्ध कराया और इतने लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया सौ सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग किया आ, उन सबका मैं आभारी हूँ और आ, स्पेशली टीचर एजुकेटर समूह का आ, जो जिस जिसके प्लेटफॉर्म पे यह वीडियो लाइव हो रहा है आप सबका बहुत बहुत आभार जय तु संस्कृतम जय भारती जय हिंद